अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा तीसरा सेशन है। हमने दो क्लासेस के अंदर हमने ये चेक कर लिया, हमने ये पढ़ लिया और समझ लिया कि हम बेसिक एचटीएमएल कैसे यूज करते हैं, और उस एचटीएमएल को यूज करके हमने एक टेबल बनाई थी और उस टेबल के बैकग्राउंड को, टेबल को कलर किया था। आज के दिन हम वही काम करेंगे लेकिन जरा से ज्यादा। शुरू करते हैं। ये देखिए, जब हमने कल जब हमने क्लासेस ली थी तो हम जब कल दो क्लासेस में सेशन हम यहां तक पहुंच गए थे। पिक जब कलर की टेबल हमने डिजाइन की थी यहां तक हम आ गए थे। तो हमने क्या सीख लिया था यहां तक कि बैकग्राउंड को कैसे कलर करते हैं, ये ब्लू में किया हुआ है। टेबल को कैसे डिजाइन करते हैं, ये पूरी टेबल है, इसमें चार कॉलम है, आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है और वैल्यू है। फिर टेबल को कलर किया पिंक, उसके बाद डिफरेंट फील्ड को कलर किया। उसके बाद हमने ये किया कि जब हम आइटम डालते हैं या फिर क्वांटिटी और रेट डालते हैं तो हम उससे कैलकुलेट करवाते हैं कि वैल्यू क्या बनी, और वो वैल्यू को फिर हम वर्टिकल टोटल करवाते हैं और ग्रैंड टोटल लेते हैं। तो हमें जब हम इस तरह मूव करते हैं तो हमें एक आइटम की वैल्यू मालूम होती है, और जब हम इस तरह करते हैं तो हमें सारे आइटम का टोटल मालूम हो जाता है। आज के दिन भी हम यही काम करेंगे, लेकिन कुछ फील्ड और ऐड करेंगे और कुछ जरा सा काम ज्यादा करेंगे। क्या होगा आज के दिन, ऐसे होगा। ये जो हमने अपना एक यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन लगा दिया है, ये सिर्फ इस चीज के लिए कि कल को आपको हम पर ये भी बताएंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि अपने ग्राफिक, अपने फोटोग्राफ्स और दूसरी चीजें कैसे अटैच करते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे अपना एक ये लगा दिया पेपर। अब क्या है इस क्लास में, हम क्या कर रहे हैं इस क्लास में, अगर आप देखेंगे तो हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे, कलर टेबल का भी चेंज कर देंगे। ये हमने लगा दिया, ये हम आपको नहीं बता रहे अभी। और उसके बाद हमने देखा, देखिए आइटम, क्वांटिटी, रेट और वैल्यू, ये तो वही चीज है जो यहाँ पे थी। आइटम, क्वांटिटी, रेट और वैल्यू, और ये फार्मूला भी वही रहेगा। अब हमने दो फील्ड ऐड की, डिस्काउंट और नेट। तो ये क्या होगा कि आइटम क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू नेट। आज के दिन हम ये काम करेंगे। फिर हम वैल्यू का टोटल लेंगे, डिस्काउंट का टोटल लेंगे वर्टिकल, और नेट का टोटल लेंगे। जब हम आप ये सारी चीजें आएंगे तो इसका मतलब हमें एक मुकम्मल काम करने की टेक्निक मालूम हो जाएगी कि कैसे काम करते हैं। अगला इसी चीज को एनहांस करने के लिए हम अगला जो सेशन चलाएंगे वो जरा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, रिजल्ट कार्ड से मुतालिक होगा, स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड से। वहां पे हम जब हम उसको शुरू करेंगे उसके अंदर जरा से इन सारी टेक्निक्स को जरा सा और एडवांस करेंगे ताकि आपको मजीद फायदा पहुंचे। शुरू करते हैं। हमने अपनी पिछली प्रैक्टिस के मुताबिक हम जैसे हम हमेशा करते हैं हमने किया क्या कि हमने जैसे L1A को L1B में कॉपी कर लिया था, अब L1B को हमने L1C में कॉपी कर लिया और L1C के अंदर हम मॉडिफिकेशन करेंगे। हमने अभी क्या सोचा है कि हम अमाउंट की फील्ड के बाद डिस्काउंट की फील्ड एक डालेंगे। तो अमाउंट ये रहा, ये टीडी है, यहां तक आपको मालूम है कि एक टीडी स्टार्ट करते हैं, टीडी के कॉलम ऐड करते हैं, फिर यहां पे ऐड करते हैं और उसके बीच में एक इनपुट की फील्ड डालते हैं जहां पे हम कहते हैं हमें क्या चाहिए। दोबारा शुरू करते हैं, एक नया टीडी बनाते हैं, इस टीडी को क्लोज करते हैं, इस टीडी को क्लोज करते हैं और इसके बीच में हम ये इनपुट की कमांड टाइप करते हैं। तो मैं कमांड टाइप करने के बजाय मैं कॉपी कर लेता हूं, लेकिन आप तुम टाइप कीजिए। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि टाइप जरूर करना है आपको, क्योंकि टाइप करेंगे तो आपको बार बार कमांड लिखने की आदत होगी और कमांड याद होगी और फिर आपको समझ में भी आएगा। मैं तो इसलिए कॉपी कर रहा हूं आपका टाइम सेव कर दूं और अपना भी टाइम सेव कर दूं। डिस्काउंट ऊपर और यहां पे भी आईडी पे वही होगा डिस्काउंट पर। देखिए अभी तो हम बिल्कुल सिंपल वे में जा रहे हैं, हम अगर आप देखें तो उससे कॉपी कर रहे हैं, एक ही चीज का स्टाइल में हम जा रहे हैं। अभी हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम पूरा हो रहा है। देखिए तो यहाँ पे हमने आइटम वन के सामने हमने डिस्काउंट ऐड कर दिया। अब इसको हम सेव करते हैं और इसको रन करके देखेंगे कि अगर ये हमारी कमांड सही लिखी गई होगी तो यहाँ पे कुछ चेंज आएगा। आ गया, देखिए आइटम फील्ड वन के अंदर आइटम वन के सामने एक फील्ड ऐड हो गई जो अभी हमने ऐड की है। तो अब हमें इस फील्ड को ऐड करने के बाद हमें यही चीज हम कॉपी कर सकते हैं आगे, हम आगे ले जाए इसको और कहां जाएंगे, ये दोबारा आइटम टू के बाद यहां पे हमने कॉपी कर दिया इसको और हमने यहां पे फील्ड का नाम क्या रख दिया, डिस्काउंट टू। यहां पे भी हमने रख दिया डिस्काउंट टू। बिल्कुल इसी अंदाज में हम आगे गए, मजीद आगे गए और हमने यहां पे आइटम थ्री के नीचे वही चीज की और आइटम थ्री के नीचे हमने वही चीज कर दी और यहां पे हमने लिख लिया डिस्काउंट थ्री। यस,
अगर आपने मेरे से पहले 3 कहा है तो इसका मतलब आप मुझे फॉलो प्रॉपरली कर रहे हैं और मुझे समझ रहे हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं। ये हो गया। अब हमने इसको सेव किया। तो उसूरी तौर पे हमें क्या मालूम होना चाहिए कि वहां पे 3 फील्ड ऐड होना चाहिए, इसके नीचे 2 फील्ड और होना चाहिए अगर ये सही कमांड लिखी गई है तो। ये एक कमांड ज्यादा आगे चली गई, इसको हम जरा पीछे करते हैं, कोई बात हो गई। तो लिहाजा हम ये करेंगे इसको कि इनपुट, ये एक इसमें एक मेरे ख्याल में TD ये गलत एक लग गया है इसके अंदर, ये गलत हो गया है एक TD, तो ये एक TD यहाँ पे और एक TD ये गलत प्रिंट हुआ है, तो इसके अंदर ये हो गया। हम इसको सेव करते हैं और इसको दोबारा रन करते हैं यहाँ पे, तो इसको एक अलाइनमेंट, ये देखिए अलाइनमेंट पे आ गया। अब ये आ तो गया, अब हमें मालूम नहीं हो रहा कि ये फील्ड है क्या। इसका मतलब हमें जिस तरह यहाँ पे आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, तो हमें इसका यहाँ पे एक ऊपर इसका कैप्शन चाहिए। अगर यही चीज मैं फिर आपसे कहता हूँ, अगर आपने पहले सोची कैप्शन नहीं दिया तो फिर आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, आप बिल्कुल, इसका मतलब आप बहुत जल्दी मेरे साथ प्रोग्रामिंग सीख लेंगे। पर अगर मेरे कहने से आपको क्लिक हुई है और आपकी समझ आ गई तब भी बिल्कुल पॉजिटिव बात है। क्या नाम था इसका? डिस्काउंट, DISCOUNT। डिस्काउंट, ये हमने एक फील्ड और इसमें ये कैप्शन हमने दे दिया। और अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, सेव कर दिया हमने, रन करके देखते हैं। यस, डिस्काउंट का ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारा सारा काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। मजीद आगे जाते हैं और इसके अंदर अब हम पिछली तरीके से कॉपी करते हुए हम यहाँ पे पहले ही कर लेते हैं डिस्काउंट के बाद। ये बात आपको अब खुद समझ याद आ रही है। और डिस्काउंट क्या है यहाँ पे? नेट, ये हमने यहाँ पे नेट लिख दिया, कैपिटल आना चाहिए नेट, ये हमने यहाँ पे नेट लिख लिया। नीचे आएंगे डिस्काउंट की फील्ड के नीचे हम नेट की फील्ड ऐड कर देंगे। अब हमें ये आती है तरकीब, और लेकिन आप फिर भी मैं आपसे कहूंगा जब तक आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आप सिर्फ टाइप करेंगे। ये आपने यहाँ पे डिस्काउंट के यहाँ पे नेट लिखा, नेट बन रहा, यहाँ पे भी हम नेट लिखेंगे, यहाँ पे भी नेट बन रहा, ठीक है। अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो गई है तो आप क्या करेंगे, मेरे वीडियो को पॉज कीजिए और उसको 2-3 रिपीट कीजिए, तो आपके पास बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। वरना मुझे मेल कीजिए तो फिर इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये हमने क्या है, नेट 2 हो गया, ये भी नेट 2 हो गया। अगले कॉलम के आगे गए, फिर हमने डिस्काउंट 3 के नीचे हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसका नाम रख दिया नेट 3, यहाँ पे भी हमने इसका नाम रख दिया नेट 3। ये 3 चीजें हो गई। अब हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। ये देखिए, ये फील्ड ऐड हो गई। इसका मतलब हुआ कि हमने 2 फील्ड सक्सेसफुली ऐड कर ली, डिस्काउंट की भी और नेट की भी। अब हमें एक और चीज चाहिए कि इसका भी टोटल चाहिए, इसका भी टोटल चाहिए। हम देखेंगे कि हमने इसके टोटल की फील्ड कहाँ रखी है, उसी तरह इसके टोटल की फील्ड भी रख देंगे। अब ये देख लेते हैं कि हमने टोटल की फील्ड कहाँ रखी है। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल की फील्ड हमने यहां रखी थी नीचे, तो हम ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि एक हमने ये टोटल बना लिया, दूसरा भी टोटल बना लिया, 2 हमने कॉपी कर लिया और यहां पे जाने के बाद हमने इसका नाम रख दिया टोटल टू या टोटल डिस्काउंट या जो भी लग आप यूज करना चाहें। हमने चूंकि यहां पे टोटल का लिखा था, लिहाजा हम टोटल 1 टोटल 2 ही कर लेते हैं। ये टोटा कर रखा है हमने, टोटल करना चाहिए इसको, टोटल ये, और इसको हम 1 कर देते हैं 1, इसको भी टोटल 1, इसको टोटल 2 और इसको टोटल 3 और इसको टोटल 3। अब अगर इसको सेव कर दें तो उसी तौर पे हमें वहां पे ग्रे फील्ड भी नजर आने चाहिए। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है, सही। ये देखिए 3 फील्ड भी ऐड हो गई यहाँ पे। अब हमें देखना है कि हमारा काम करता है सिस्टम या नहीं करता। अब देखते हैं, हमने आइटम 1 डाला, क्वांटिटी 10 डाली, रेट हमने डाला इसमें 2, तो ये 10 × 2 = 20 तो हो गया। लेकिन अभी तक हमें आपका 2 चीजें नहीं आई, हमें यहां भी टोटल चाहिए और फिर उसके बाद हमें देखना है कि अगर हम डिस्काउंट डालें, डिस्काउंट हमने डाला मिसाल के तौर पर 3, तो यहां पर हमें 17 चाहिए था। तो अब पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास ये 17 आना चाहिए जब हम एंटर करें, और फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे हमें ये सारे टोटल भी चाहिए, ठीक है। ये हमारा आज का टास्क हो गया, डबल कैलकुलेशन हो गई। करते हैं इसको, काम करते हैं आगे चलकर। अब देखिए, अगर आपको याद हो हमने ये एक कमांड यूज की थी रेट पे जाके ऑन ब्लर। हम ऑन ब्लर से क्या कर रहे थे कि ऑन ब्लर पे हम
कैलकुलेशन की फील्ड में जा रहे थे, यहां पर और यहां पर जाने के बाद हम क्या कर रहे थे कि क्वांटिटी ले रहे थे, रेट ले रहे थे और फिर अमाउंट के अंदर क्वांटिटी इनटू रेट करके हम इसको यहां पे लिख रहे थे। ये हमने टोटल भी लिखा है लेकिन वहां पे नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि हमने टोटल की वैल्यू नाम वहां पे चेंज कर दिया, टोटल वन कर दिया। तो इसको टोटल वन करेंगे तो ये आ जाएगा। हम देखते हैं पहले उसको रन करके, अभी रिजल्ट नहीं आया था ना, आप देखेंगे, हम देखेंगे रिजल्ट आना चाहिए जब इसको रन करें। तो आइटम वन क्वांटिटी 10 to 20 हो गया, देखे नीचे आ गया। अभी ये फील्ड पर हमने कुछ नहीं किया, आइटम टू पे आ जाइए। आइटम टू 10 3 50 हो गया, इसका मतलब हमारा यहां तक तो हमारा काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हमें इन दोनों फील्ड को मैनेज करना है कि हम जब डिस्काउंट दें तो हमें 17 या जो भी हमने अमाउंट दिया है तो वो हमें शो करे कि अमाउंट या अमाउंट माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। देखते हैं कैसे करेंगे। अब हम डिस्काउंट के ऊपर वही ऑन बलर लगाएंगे दोबारा, ये वाला, ये आपको याद है, यहां ऑन बलर हमने कल लगाया, यहां तक लेते हैं इसको। और क्या करेंगे हम, इसी ऑन बलर से हम ऊपर जाएंगे और हम वहां जाके कैलकुलेट करेंगे कि ये वहां पहुंचा पे काम करें। लेंगे हम वही क्वांटिटी और रेट लेके जाएंगे वापस और हम देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। डिस्काउंट पे हम आ गए, यहां पे हम आए और हमने इसको कॉपी कर दिया, कल की तरह हमने इसको कॉपी ही कर लिया वापस। यहां पे हमने इसको कॉपी किया क्या करके कि ऑन बलर में हमने कहा कि हमने गलती से हमने फिर वही टू पे कर लिया, हम इसको वन पे करेंगे ताकि हमारा काम सीक्वेंस में आता रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता था वहां पे, लेकिन यहां पे करेंगे। डिस्काउंट हमने यहां लिया और हमने ऑन बलर इसको यूज किया, इसका ऑन बलर हमने कॉपी किया और यहां आके हमने इसको कॉपी कर दिया। ठीक है, तो आए हम यहां और हमने यहां पे ऑन बलर पे क्या लिखा कि ऑन बलर पे हमें चाहिए नंबर वन आइटम को लेके जाए और क्वांटिटी वन को लेके जाए और रेट वन को लेके जाए और वहां जाके कैलकुलेट करें। तो वो तो पहले से कैलकुलेट कर रहा था, अब हमें इसमें यहां पे ऐड करनी है कुछ चीजें। क्या पहली चीज, अब यहां पे वो दे के वेरिएबल डब्ल्यू डिस्काउंट। अब आप देखिए कि हम वहां से दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल लेकर आ रहे हैं, एक आइटम का सीक्वेंस 1 2 3, एक क्वांटिटी और एक रेट जो हम यहां पे देख रहे थे कि ये। अब हम यहां पे डिस्काउंट के अंदर हम वैल्यू नहीं हमने वहां से पास किया, अब हम इसको यू कर लेते हैं इक्वल टू, याद है आपको हमने ये किया था डिस्काउंट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये वैल्यू हम मूव करा लेंगे इसके अंदर, ये वैल्यू हमने इसमें मूव करा ली किसकी, आइटम वन की। तो हम कहां कराएंगे, हम यहां नहीं कराएंगे इसको लॉजिकली, हमें इसको क्या करना चाहिए था, हमें इसको करना चाहिए कि जब ये वन आए तो वन की वैल्यू यहां मूव करे और यहां पे ये इसको हमेशा जीरो ही रखे, जीरो। तो हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, वेरिएबल इज डिस्काउंट, नीचे हम आ गए और हमने वेरिएबल के अंदर, अब ये वेरिएबल का नाम हमें यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, हमने यहां पर लिख दिया डिस्काउंट। अब ये वेरिएबल डिस्काउंट हमने यहां पर लिख लिया और हमने क्या कर लिया, अमाउंट वन इसमें मूव करा दिया। तो अब हमें क्या करना है, हमें नेट कैलकुलेट करना है, तो हमने इसका ही नेट कैलकुलेट करना है। तो फिर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, वेरिएबल डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू जीरो और हमने फिर यहां पे क्या किया कि डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू क्या चीज, ये जो हमने डब्ल्यू ए जो हमने कैलकुलेट किया ऊपर यानी अमाउंट डब्ल्यू ए माइनस, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया क्या डब्ल्यू डिस्काउंट ये हमने कैलकुलेट किया कि इसके अंदर आ जाए, ये हो गया। फिर हम इसको क्या करेंगे, दोबारा वही कल वाली टेक्निक हम यूज करेंगे कि यहां पे हम फील्ड ले लेंगे, क्या कौन सी फील्ड हमारी, नेट वन हमने फील्ड ली और इसके अंदर हमने डब्ल्यू नेट मूव करा दिया।
अब हम देखते हैं कि हमारा ये काम सही होता है कि नहीं, वरना फिर हम कल वाली टेक्निक जो हमने यहाँ पे की थी पार्सिंग टीजर और ये सब कुछ करेंगे, उन सबको करके देखेंगे। देखिए हम देखते हैं कि अगर हम वैल्यू मूव करा लें हमारा काम चलता है कि नहीं। अभी हम सिर्फ आइटम नंबर वन के ऊपर काम कर रहे हैं, देखते हैं इधर आके। आई वन टेन टू, ये आ गया, 20 आ गया, डिस्काउंट हमने दिया 2, तो 2 डिस्काउंट दिया, लेकिन यहां पे हमारे पास 18 इसने शो नहीं किया। इसका मतलब है कि हमें 18 शो करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको, हमें देखना पड़ेगा कि हमारी फील्ड में हमसे क्या गलती हो रही है। जो गलती हमें नजर आ रही है वो ये है कि हम इसको प्लेन ना लिखें, हम इसको लिखें कल की तरह कैसे, पार्स, ये देखिए ये वाली कमांड पार्स INT PARSEINT। देखिए अब ये जो ये चीज है ना, ये जो आप हम जो रिपीट कर रहे हैं आपको ये समझ में आ जानी चाहिए। ये समझ में आ गई तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी, हमसे यहाँ पे कभी मिस्टेक भी होगी, कभी हम जानबूझ के भी मिस्टेक करेंगे ताकि आपको समझा सके, हमसे भी मिस्टेक होती है। 10, 2, 20 हो गया, यहाँ पे अपडेट किया अभी भी नहीं आया, इसका मतलब अभी हम कोई गलती कर रहे हैं यहाँ पर। एक मिनट रह जाइए, जरा देख लें जरा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमने देखिए क्या किया कि इफ आई इज इक्वल टू 1 जो हमने कल किया था, यहाँ पे हमने आ रहा है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID अमाउंट 1 वैल्यू इज इक्वल टू, हमने अमाउंट की वैल्यू इसमें ये मूव करा दी, हमने कैलकुलेट की थी W हमने क्या कैलकुलेट किया था, WQ × WR। फिर हम नीचे आए, W डिस्काउंट इज इक्वल टू पार्स, वही कमांड पार्स इंटीजर डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID डिस्काउंट 1 जो हमने वहां से अभी हमने पास नहीं किया, अब हम वहां से डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, और हमने लिखा और हमने आपसे कहा था कि इसको एज ए हैबिट बना लीजिए कि इनटू 1 करके ये पास इंटीजर इनटू 1 करके वैल्यू प्रॉपरली आ जाती है। फिर हमने लिखा ये फील्ड हमने एक्सप्लेन की थी WNET, ये जाइए WNET इज इक्वल टू WA, WA क्या है जो हमने अभी कैलकुलेट किया अमाउंट माइनस डिस्काउंट जो यहां पर हमने लिया जो वहां से एंटर किया, और उसके बाद हमने क्या किया डिस्काउंट गेट एलिमेंट बाई ID नेट 1। तो क्या है, ये तो हमारी कमांड फिक्स हो गई, तो हमें यहाँ पे रटनी है एक तरह से ना, ये तो हमें रट जानी चाहिए। अब ये नेट वन के अंदर हम इसके अंदर वैल्यू मूव कर रहे हैं कहां से, पार्स INT करके इसकी WNET की, और WNET हमने क्या है W अमाउंट माइनस डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया, ये कमांड हमने लिख दी। अगर ये कमांड हमें सही लिखी गई तो हम वहां पर सही रिजल्ट नजर आएगा, और फिर हम वैल्यूज को अपडेट कर देंगे, फील्ड को अपडेट कर देंगे। देखते हैं, देखिए I1 क्वांटिटी 10, रेट 2 तो 20 हो गया, आप देखिए 20 हो गया, और 20 वहां पर भी नेट भी 20 आ रहा है क्योंकि अभी तक कोई डिस्काउंट तो हुआ नहीं। अब हमने इसको डिस्काउंट दे दिया तो देखिए 18 हो गया, इसका मतलब यह है कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है और ये हमारा काम जो ठीक है। अब हम देखते हैं ID 2 पे भी करेगा या नहीं, सोचिए आप, देखिए अगर आपने सोचा नहीं तो आपने बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि अभी तक हमने फॉर्मूला लिखा ही नहीं तो ये तो कुछ करेगा ही नहीं, लिहाजा हमें वही फॉर्मूला जो हमने ID 1 पे लिखा है वही अब हमें ID 2 पे भी लिखना है, अब वही हमें ID 3 पे भी लिखना है, तब ये तीनों फील्ड प्रॉपर होंगी, तीनों पे हम कॉपी करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यही चीज जो हमने अभी की थी, जो ब्लर की थी हमने कमांड, ये ऑन ब्लर वाली, ये हम लेंगे यहां से, और डिस्काउंट 1 के बाद हम डिस्काउंट 2 के नीचे डाल देंगे, इसको डिस्काउंट 2 के नीचे डाल देंगे, ये आ गई। यहां पे हम इसका नाम चेंज कर देंगे, यहां पे हम इसका नाम चेंज करेंगे क्या, क्वांटिटी 2 और रेट भी 2, ये लिया, ऊपर जाएंगे वैसे करके वैल्यू चेक करेंगे। और एक बात ख्याल रखिएगा, देखिए ये इनपुट के टैग के बीच में है, ये इनपुट का टैग यहां से शुरू हो रहा है और इनपुट का टैग यहां आके खत्म हो रहा है, ये सब उसके बीच में आती है। बिल्कुल इसी तरह हम इसको अमाउंट 3 के नीचे भी डाल देंगे, अमाउंट 3 कहां पर है, सॉरी डिस्काउंट 3 के नीचे, ये डिस्काउंट 3 के नीचे भी हमने यहां पर डाल दिया, डिस्काउंट 3 के नीचे डाल दिया, सॉरी हमने कुछ गलती कर दी कॉपी करने में, वहां से गलती की हमने, ये कॉपी कर दी था कैसे, ये हमने जो अभी यहां से किया एक बार फिर TD ले लेते हैं, पूरा TD हम यहां से लेते हैं और हम पूरा TD यहां पे किस पे W डिस्काउंट 3 पर डाल लेते हैं, तो डिस्काउंट 3 पे डाल लेते हैं, यहां पे डिस्काउंट 2 हमने कॉपी किया था, हम इसको 3 कर लेते हैं, इसकी ID को भी 3 कर लेते हैं, और इसके यहां पे क्वांटिटी 2 को हम
3 कर लेते हैं और रेट 2 को भी हम 3 कर लेते हैं। अब देखिए मैंने जो एक जगह कट एंड पेस्ट कर दिया, इससे बाद कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो फिर आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आपको बहुत अच्छी पुरानी समझ में आ रही है और आप बहुत अच्छे ड्रॉवर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर आप ये देखिए कि इसका मतलब आप कंसंट्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन होता है कि मेरे बार बार आगे पीछे करने से आपको कंफ्यूजन होता हो, उसको दूर करने की एक ही तरकीब है। आप इसको हल करके एक बार फिर दोबारा देखिए, पढ़िए, समझिए, आपके मन में बिल्कुल आ जाएगा। अब इसको रन करते हैं, 3 फील्ड आ गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं दोबारा, हाई वन के अंदर वैल्यू डालते हैं, 10 में किया 2, 20 हमारा रेट आ गया, 20 हमारा नेट भी आ गया, हमने इसको 2 का डिस्काउंट दिया, तो देखें 3 डिस्काउंट आ गया, तो इसका मतलब है कि 18 दिया। फिर हमने यहाँ पे 10 का रेट किया, क्वांटिटी ली, रेट हमने 3 लिया, 30 हो गया, यहाँ पे हमने 3 डिस्काउंट दिया। ओ तो यहाँ पे तो देखिए नहीं आया, इसका मतलब ये कि हमने अभी कहीं चीज कंप्लीट नहीं की। क्या चीज नहीं कंप्लीट की, जरा सोचिए, मैं आपको एक लम्हा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने यूं सोचा है कि हमने यहाँ पे तो दे दिया कि कॉल कर लिया, लेकिन हमने वहां जाके तो अभी तक अपडेट किया ही नहीं, यहाँ पे जैसे इसको किया था ऐसे तो अपडेट ही नहीं किया, लिहाजा हमें अपडेट करना चाहिए। हम इसको अपडेट करते हैं, किसको अपडेट करेंगे, हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिस्काउंट की फील्ड लेंगे, इसकी फील्ड लेंगे, या भी जिसको हमें करना है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और 2 में ले आएंगे, यहाँ पे कॉपी कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ पे हम इसको 2 ले लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हम इसको नेट भी 2 कर देंगे। ये क्लियर हो गई बात आपको। इसी तरह हम तीसरे में भी चले जाएंगे और यहाँ पे भी कॉपी कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको अमाउंट 3 ले लेंगे। ये बात आपकी समझ आ रही है, अगर आपने मेरे साथ साथ बोला तो आप बिल्कुल पिक कर चुके हैं, और अगर आप मेरे कहने के बाद समझ गया तो भी आप बिल्कुल पिक कर रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है इसके अंदर। ये हमने कर दिया, सेव किया, यहाँ पे आ गए हम, यहां आए, हमने यहाँ पे आइटम दिया 10, 2 डिस्काउंट 2, ये 18 आ गया, हाई 2 10 3 30 हो गया, 3 का डिस्काउंट दिया, 3 का डिस्काउंट दिया, लेकिन देखिए 27 को नहीं किया बल्कि 30 वापस शो कर दिया हमको, इसका मतलब हमने कहीं टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया। चेक करते हैं कि हमने मिस्टेक क्या किया, कि 5 = 2 करें, डब्ल्यू ए अमाउंट को लेकर आया है और यहां पे वो 2 लेकर आया, तो यहां पे तो सब सही है, लेकिन उसने वैल्यू सही शो नहीं किया हमको, तो डब्ल्यू नेट की वैल्यू उसने जो है हमको प्रॉपर नहीं देखे, डिस्काउंट का तो ये उसने दे दिया यहाँ पे, और डिस्काउंट दे दिया, तो अभी हम इसको चेक करते हैं, एक मिनट आ जाइए। अब देखिए हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया डिस्काउंट 3, और यहाँ पे जब डिस्काउंट 3 के नीचे हमने क्वांटिटी 3 और क्वांटिटी रेट 3 ले लिया, इसमें 2 ले लिया होगा, बिल्कुल सही लिया हमने, इसमें 1 लिया होगा, यहाँ पे भी सही लिया, आपका कहते हैं, और यहाँ पे हमने फार्मूला लिख लिया कि अगर 1 में आ रहा है तो ये कैलकुलेट करें, 2 में आ रहा है तो फिर 2 दोबारा उसी फार्मूला को कैलकुलेट करें, लेकिन 3 के साथ, और अगर 2 के साथ 3 का हिस्सा चलता रहेगा। सेव करते हैं इसको, और इसको रन करके देखते हैं। एक मिनट है, जाइए, अब हमने यहाँ पे देख लिया कि जब आई वन में आए तो वो क्वांटिटी रेट से ऊपर अमाउंट तो कैलकुलेट कर चुका है, अब वो यहाँ पे डिस्काउंट 1 की अमाउंट ले, डिस्काउंट में डाले, फिर नेट के अंदर डब्ल्यू अमाउंट माइनस डिस्काउंट कर दे, और फिर नेट 1 के अंदर इसको मूव करा दे पास आईएनटी से। अगर 2 है तो यही चीज वो 2 के साथ करे, यहाँ पे डिस्काउंट 2 लेगा, यहाँ पे नेट 2 में जमा कराएगा, और अगर 3 है तो यहाँ पे डिस्काउंट 3 लेगा और नेट 3 में जमा कराएगा। अभी हमने ग्रैंड टोटल नहीं किए, अभी हम सिर्फ फील, अभी हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे जा रहे हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। आई वन 10, 2 20 हो गए, यहाँ पे हमने डिस्काउंट दिया 2, 18 हो गया, ये सही हो गया। आई 2 10, 3 30 है, डिस्काउंट हमने दिया 3, 27 हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आई 3 10, 4 40 हो गया, अगर हमने यहाँ पे इसको डिस्काउंट दिया 4, देखिए 36 हो गया, ये इसका मतलब इस तरह तो बिल्कुल सही हो गया। अब हमें इस तरह चेक करनी है,
हमने जैसे यहाँ पे हमारे पास टोटल आ रहा है, देखिए 40 + 30 + 20 ये 90 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट में डिस्काउंट आना चाहिए 4 + 3 + 2 कितने 9, ठीक है ना। और फिर हमारे पास यहाँ पे 90 और 9 तो यहाँ पे 81 का हमारे पास यहाँ पे भी टोटल आना चाहिए। तो हमें ये टोटल भी चाहिए, ये टोटल भी चाहिए, देखते हैं। अब आप देखिए कि जब हमने सारा कुछ ये कर लिया था तो हमने यहाँ पे अमाउंट 1, अमाउंट 2, अमाउंट 3 के टोटल भी कर लिए थे और आखिर में हमने यहाँ पे अमाउंट 1 का टोटल डाल लिया था। अब हम इसी तरह हम ऐसे कर लेंगे और हम क्या करेंगे, इसी डब्ल्यू टोटल को हम यहाँ से नीचे पूरी चीज को कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाउंट वन नहीं लिखेंगे बल्कि अब हम यहाँ पे लिखेंगे DISCOUNT1, DISCOUNT1। अगर आपने ऐसे सोच लिया था तो आपने बिल्कुल ठीक सोच लिया, और अगर मेरे कहने के बाद आपके ध्यान में बात आ गई है तो ये आपके सामने बिल्कुल सामने आ रही है। DISCOUNT2 बिल्कुल सही है और यहाँ पे हम जाएंगे DISCOUNT3। अभी इस पे कंफ्यूज ना हो आपके एक इसी फील्ड में, क्योंकि हमने ये डब्ल्यू टोटल हमने यहाँ पे यूज कर लिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू मूव करा दिया। हमारे लिए किसी काम का नहीं है, हम इसमें दोबारा मूव करा सकते हैं, लेकिन हम चाहें उसको अलग नाम भी रख सकते हैं। फिलहाल हम उसमें करा के देखते हैं कि सही काम करता है क्या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या रखा था Total 1, इसको हम रखेंगे Total 2। वहां पे हम ये भी कह सकते थे टोटल डिस्काउंट, लेकिन हमने वहां पे आपको याद है Total 1, Total 2, Total 3 हमने फील्ड के नाम रखे थे, अगर आपको याद हो बिल्कुल आखिर में। देखिए यहाँ पर Total 1, Total 2, Total 3, इसलिए हम वहां पे भी Total 1, Total 2, Total 3 यूज करेंगे। Total 2 यूज किया, ऐसे कर दिया, सेव किया, रन करेंगे तो हमारे पास कम से कम दो कॉलम के डिस्काउंट तो वैल्यू आनी चाहिए। 10 ये 2 20 हो गया, 2 का डिस्काउंट हो गया। देखिए देखिए अब यहाँ पे ये टोटल आ गया, ये टोटल आ गया I2 10 3 3 का डिस्काउंट। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे ये डिस्काउंट आ रहा है I3 10 4 40, यहाँ पे हमने 4 का डिस्काउंट दिया, ये देखिए 9 आ गया। अब हमें यहाँ पे डिस्काउंट देखिए, ये डिस्काउंट बिल्कुल सही आ गया, ये डिस्काउंट का टोटल बिल्कुल सही आ गया, अमाउंट का टोटल बिल्कुल सही आ गया। अब हमें नेट का टोटल चाहिए, क्या करेंगे उसके लिए, सोचिए जरा सा मैं जाऊं जी। जिसने ये सोचा कि बिल्कुल इसे कॉपी करके अब हम वहां पे नेट कर देंगे, एग्जैक्ट यही जवाब आएगा वहां पर, बस इसको हम कर लेते हैं। ये हमने किया इसको, यहां पे हमने किया नेट, यहां पे हमने किया इसको नेट, सॉरी कैपिटल में लिख दिया इसको, सॉल्व कर दिया नेटवर्क। ये गलती आप करके देखिए आपके पास की क्या फर्क पड़ेगा, देखेंगे आप सिस्टम काम नहीं करेगा, ऐसे रिजल्ट नहीं देगा। इसका मतलब ये कि सिस्टम जो है केस सेंसिटिव है, छोटे को छोटा समझता है, बड़े को बड़ा समझता है, लिहाजा आपको प्रॉपर वही स्पेलिंग लिखनी चाहिए जो ये कर रहा है। अब अगर हम ये कर दें और हम तेजी में काम करने देखें यहाँ पे ना करें तो क्या होगा कि हमारा टोटल जो है ये नेट का टोटल डिस्काउंट के टोटल में चला जाएगा, लेकिन हम इसको यहाँ पे 3 कर लेते हैं। अब इसका मतलब है कि हमारा फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट चलना चाहिए अगर हमने कोई गलती नहीं की तो, देखते हैं। I1 10 2, ये देखिए आ गया, डिस्काउंट दिया हमने 2 का, तो ये देखिए आ गया 20 का अमाउंट था, 2 का डिस्काउंट है 18 20 टू 18। हम नीचे आ जाइए दूसरे आइटम में 10 3, ये अमाउंट 30 हो गया, 3 का डिस्काउंट, ये देखिए 3 था 3 and 2 5, और ये 7 45 और ये 50 हो गया। अब हम I3 में आ जाते हैं, I3 10 4 40 हो गया और ये 4 का डिस्काउंट हो गया, ये आ गया। तो आप देख लीजिए 90 में से 9 81, तो 90 का अमाउंट हुआ, 9 का डिस्काउंट हुआ, नेट हमारा 81 आ गया। अब अगर हम देखें तो हमने हर तरीके से अपना काम पूरा कर लिया। यहां पे हमको 2-3 चीजें समझने आई, मैं एक चीज करके दिखाता हूं, फिर मैं चाहता हूं कि आप लोग कोशिश करें, वरना फिर हम किसी सेशन में आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हम पिछले चैप्टर में हम बता चुके थे कि किसी फील्ड को अगर हमें मॉडिफाई नहीं करना है, या तो उसको हम रीडेबल करते हैं, यानी है ना, या तो उसको हम करते हैं रीड ओनली, या हम उसको करते हैं डिसेबल्ड। अब आप ये देखिए कि यहां तो हमें एंटर करना ही है रिकॉर्ड, यहां पे भी हमें क्वांटिटी डालनी है, यहां पे हमें रेट डालना है,
तो यहां पे क्वांटिटी इनटू रेट यहां पे आना चाहिए। तो यहां पे फील्ड जब आ जाए तो कंप्यूटर यहां पे अलाउड ना करे चेंज, ये देखिए चेंज करना अलाउ कर देगा, ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। इसका मतलब ये कि ये फील्ड जो है हमें ब्लॉक करनी है, ये फील्ड हमें ब्लॉक करनी है कि ये फील्ड हमारी खराब ना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि इस फील्ड को ब्लॉक करेंगे, या तो करेंगे हम डिसेबल्ड या करेंगे रीड ओनली, ये आप लोग करेंगे, ये आपका असाइनमेंट है। यहां पे भी देखिए, ये तो हमने उस वो 18 कह रहा है और हम जो है उसके आगे, यानी हम उसके आगे है, उसको वापस सब उसको 44 लिख रहे हैं, तो गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि अब हमें यहां पर भी ये करना है कि यहां पर भी ये फील्ड को मॉडिफाई ना कर सके, बिल्कुल फिर ऐसे ही कि इनमें इनमें और इनमें, इनको करना है कि फील्ड मॉडिफाई ना हो सके। एक असाइनमेंट हो गया। दूसरा असाइनमेंट यह है आपका कि मैंने 3 आइटम रखे हैं, आप 5 या 6 या 7, बस मैक्सिमम 7 तक रखिए। अगर आपने 7 आइटम को प्रॉपरली कैलकुलेट कर लिया, प्रॉपरली मैनेज कर लिया, तो आप एक मुकम्मल इनवॉइस बनाने के काबिल प्रोग्राम हो गए। जब हम एडवांस लेवल पर जाएंगे तो आपको बताएंगे कि इसको डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, आप समझ जाओगे इस चीज को। अब हमने एक चीज कही थी कि हम बैकग्राउंड और ये टेबल का कलर भी चेंज करेंगे। अब हम यहां आते हैं, देखिए आप 2 हैं, टेबल का ये बैकग्राउंड का कलर है, हम इसको अभी हम जैसे हम करना चाह रहे हैं वही कर देते हैं, लाइट हम इसको कर देते हैं मिसाल के तौर पे ग्रे, देखिए लाइट ग्रे, और हम इसको लाइट पिंक से हटा के हम इसको कर देते हैं सिल्वर। तो देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा, और फिर ये चीज आपको बढ़नी, आपको कोई और कलर चेंज करना चाहिए, इसका आप कुछ कलर चेंज करिए, ये देखिए कलर चेंज हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि अब अगर हम इस सेशन को यहां पे खत्म करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमें मालूम हो गया कि इनिशियली डिजाइन कैसे होगा, जैसे हमने यहां पे किया था, इनिशियल डिजाइन कैसे होगा, एक सिंपल सा डिजाइन, इस सिंपल से डिजाइन के अंदर हम फील कैसे रखेंगे, अरेंजमेंट कैसे करेंगे, आगे जाने के बाद हम उसको कलरफुल कैसे करेंगे, फील को अपनी मर्जी से कैसे कलर करेंगे, फील अपनी मर्जी से कैसे इधर से उधर अलाइन करेंगे, और उसके अंदर हम फार्मूला लिखेंगे कि 2 फील्ड को मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू कैलकुलेट करें और फिर वर्टिकल टोटल लेकर आए। तीसरे लेवल के ऊपर जाके हमने ये किया कि हमको हमने हेडिंग भी चेंज कर दी, बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया, टेबल का कलर भी चेंज कर दिया, जैसे हम यहां देख रहे हैं, और फिर उसके बाद हमने 2 फील्ड ऐड कर दी। अब हमारे पास 2 मल्टीप्लीकेशन आ गई, 2 कैलकुलेशन आ गई, एक हमारे पास क्वांटिटी इनटू रेट से वैल्यू कैलकुलेट हो गई और एक रेट इनटू वैल्यू माइनस बैलेंस से नेट कैलकुलेट हो गया। अगर आप देखेंगे तो हमने जैसे यहां पे आपको बताया था कि आपके पास वैल्यू की फील्ड एडिटेबल नहीं होनी चाहिए, इसको आप या तो डिसेबल करेंगे या इसको रीड ओनली करेंगे। डिस्काउंट ओपन होगा, यहां पे आपको टाइप करना है, लेकिन नेट भी वैल्यू की तरह एडिटेबल नहीं होनी चाहिए, इसको या तो आप डिसेबल कर दीजिए या इसको रीड ओनली कर दीजिए। इसी तरह ये वाले टोटल भी हमेशा एडिटेबल नहीं होते, हमेशा फिक्स होते हैं, इनको आप भी रखेंगे कि ये एडिटेबल नहीं है, इनको चेंज करेंगे। तो आपका असाइनमेंट ये हो गया कि आप यहां पर यहां तक इसको कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद जब हम अगला सेशन शुरू करेंगे उसको भी ज्वाइन कीजिए हमें, उस सेशन में आपको काफी मजा आएगा क्योंकि उसके नाम थोड़ी सी कॉम्प्लीकेटेड टेबल डिजाइन करना बताएंगे, उसके आपको दिखाएंगे कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड टेबल डिजाइन होती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।